हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली एम यूट्यूब। चलिए आज हम बात करेंगे ऑनलाइन HSC और SSC का आंसर शीट कैसे डाउनलोड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको इस साइट के ऊपर विजिट करना होगा। इस साइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और इसके ऊपर यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पर तो ऑलरेडी क्रिएट यहाँ पर न्यू अकाउंट कीजिए या नेम, यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो पूछा गया है वो कीजिए और यहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं, आपको इंडिविजुअल लॉगिन करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा और यहाँ पर ये इमेज दिया है वो आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। Q11S1L ओके लॉगिन। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई मार्कशीट, उसके बाद यहाँ पर मैं पहले SSC की मार्कशीट, HSC नहीं SSC की मार्कशीट वेरीफाई करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, आप कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं। यहाँ पर मार्च या जुलाई अक्टूबर जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सीट नंबर डालना होगा, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ K097891। यहाँ पर आपको टोटल मार्क डालने होंगे जितने आपके हार्ड कॉपी के ऊपर है लिखे हुए, टोटल मेरे 295। ओके मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ये इमेज डाल का पास वर्ड जो है वो डालना होगा। उसके बाद सबमिट। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा रिजल्ट आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर PDF आ चुका है मेरे मार्कशीट का। और इसके बाद हम देखेंगे सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं आप। और मैं आपको यहाँ पर एक बार डाउनलोड भी कर बताऊँगा। ये यहाँ पर आइकॉन दिख रहा है ऊपर से, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा बिल्कुल आपका। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना।